बढ़िया चल रहा है करियर, फॉरेन इंटरव्यू वगैरह जाने को मिलता है ऐसे, बट ना खुशी सी नहीं हो रही अंदर से। अगर क्यों? क्योंकि ना ये मेरा पहला ड्रीम नहीं था। एक होता ना बचपन में पहला ड्रीम मेरा था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं बहुत अच्छा खेलता था यार। मैं मतलब अकेडमीज वगैरह में खेलने जाता था और बहुत बढ़िया खेलता था। फिर मैं 10th के बोर्ड्स आए, छुड़वा दी मेरे पापा ने, कह रहे पढ़ाई करो, क्या फायदा हुआ। चुटकुले सुना रहा हूँ मैं आज, कभी माफ नहीं किया मैंने अपने बाप को, क्योंकि जिस साल उन्होंने छुड़वाई ना उसी के 2 साल बाद IPL स्टार्ट हो गया यार। और पता है मैं ऐसे लग गया कि अगर ये मुझे खेलने देते ना, यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस। मैं ना कुछ मैचेस लाइव देखने गया था और बहुत सालों के बाद मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा। हाँ शट अप, क्राउड हर जगह का ऐसे ही होता है। मैं देख लिया, जैसे मैं जब मैच देखने गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बनाऊं, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था मैं कहा एक तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है, वो 11 लोग सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से, ठीक है, उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें रन बनाने हैं, मैच जीतना है, ये सब। ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है। वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, पूरा स्टेडियम नारे लगा रहा है हमारी भाभी कैसी हो, शर्म करो यार, शर्म करो। फिर वो आउट हो जाते 2 ओवर के बाद, फिर कमेंट्स मारते हैं इनका तो फोकस ही नहीं है गेम में, उसका था बैच तुम्हारी वजह से गया है। शुभमन गिल 24 साल का है यार, 24 साल की उम्र में वो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। वो बैटिंग करने आया है, अच्छी बात कही है, उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होती होंगी यार कि यार ये आउट स्विंग होगी, नहीं तो इन स्विंग हो सकती है, कवर लू क्या करूं ये सब, और कान में क्या चल रहा है उसके, इन जैसे चूते हुए जैसे ना वहां से आती है, तुम जैसे चूते हुए जैसे हारे हैं और इनको लगता है हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं ये सब करके। अबे अपने प्लेयर को ही परेशान कर रहे हो यार, आप सोचो आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसे बिहेव करे। तुम सुबह उठ के अपने ऑफिस में बैठे हो, लैपटॉप खोल के ईमेल लिख रहे हो और साइड से 2 लोग आके हमारी भाभी कैसी है, HR वाली जैसी है, गुस्से में आपको कि लैपटॉप उठा के सर पे मार दो उसके। और आप सोचो हमारा क्राउड हमारे प्लेयर्स को इतना तंग कर रहे हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो क्या कर रहे थे, रैगिंग हो रही थी उनकी। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था, एक मार्नस लाबुशेन करके प्लेयर है, ठीक, उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, हमारे बंदों से बोला नहीं जाता उसका नाम। वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे, यहां से 2 लोग लाबू का लाबू से लाबू शंका